कर्दम जी ने सोचा कि अब 9 बेटियां हो गई है, वंश आगे बढ़ गया है, तो अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो उन्होंने संन्यास लेने की जैसी योजना बनाई कि देवभूति ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान ये तो बेटियां हैं, कल के दिन ससुराल चले जाएगी, मैं किसके साथ रहूंगा, तो एक पुत्र तो होना चाहिए घर में। तब कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने मुझे कहा था कि मैं पुत्र बन करके तेरे घर में पधारूंगा। तो उनको जब याद आया तो ठहर गए, घर में ठहरे। कालांतर में देवभूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के बड़े प्रवक्ता थे कपिल मुनि, आश्रम है ना गंगा सागर में, वही कपिल भगवान है, आज विराजमान है वहां पे, और मेला भी लगता है वहां जनवरी के महीने मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, और मंदिर तक जल आता है। आजकल जाओगे तो समुद्र का जल दूर रहता है, थोड़ा दूर है, और वो समुद्र के किनारे वाले जो दुकानें लगी रहती है वो सब हट जाती है, वहां से मंदिर से जो मार्ग जाता है तो मंदिर तक पानी उसका जल प्रवाह अभी भी आता है। कपिल भगवान जी का जन्म हुआ, उसके बाद कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा बाबा आए, तो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के 9 बेटा भी आए, 10वें बेटा थे नारद जी। तो नारद जी तो घूमते ही रहे संवाददाता बन करके, तो ब्रह्मा जी के साथ जब 9 बेटा आए ब्रह्मा जी के, तो कर्दम जी ने बोला है तो बहुत अच्छा हो गया। तो ब्रह्मा जी से चर्चा करी, बोले क्या करें, बोले कर दो, तो 9 का ब्याह 9 पुत्रों के साथ कर दिया। बोलो राधे राधे। कला देवी का विवाह किया मरीची से, अनसुईया का विवाह किया अत्री से, अरुंधति का विवाह किया वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगुन ऋषि जी से किया, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया, और क्रिया का विवाह क्रतु से किया, तथा हविर्भु का विवाह प्रलस्त से किया। 9 बेटियों का विवाह कर्दम जी ने 9 पुत्रों को दे दी। ब्रह्मा जी के सब दायित्व निभा करके जंगल को प्रस्थान कर गए। अब तो 2 सदस्य घर में, माता जी और कपिल भगवान। एक एक इनका मन बड़ा खिन्न हुआ माता जी का, तो दूर क्योंकि बेटा तो समाधि में रहता है दिन रात, तो कुछ करता ही नहीं समाधि में। तो जब पिताजी श्रेष्ठ हैं इतने पुत्र तो हो गए, तो वो भी भगवान के चरणों में, तो माता जी बड़ी खिन्न हो गई। माता जी ने इतने भोग भोगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, और अनेकों ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी लोक है, हम तो 2-4 जगह घूमे होंगे, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी पृथ्वी है, उसके अलावा भी कई अनेकों अनेक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड। तो खिन्न मना बैठी हुई थी, तो पुत्र के पास गई, प्रश्न किया, निर्विण्णानि तरां भूमन् असत इन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रसन्नात्मं तमः प्रभो। माता देवभूति कहती है, प्रभो बेटा मैंने इस संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगे हैं, शायद ही किसी ने इतने सुख भोगे हैं, फिर भी मेरे आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, मन को तृप्ति खिन्न है, क्यों? क्योंकि विषयों में आनंद नहीं है, ये विषय अपूर्ण है, परिपूर्ण सिर्फ परमात्मा है, इसलिए अपूर्ण विषयों को जितना जोड़ेंगे हम वो अशांति करते हैं। पहले हम पैदल चलते थे तो हृष्ट पुष्ट रहते थे, फिर धीरे धीरे गाड़ियां आई, छोटी मोटी गाड़ी साइकिल आई,
बाइक आए, धीरे धीरे अब गाड़ियां आप चलना फिरना भी बंद। पहले घर में पीसा जाता था, एक पीसने वाला वो होता था, अभी ग्रामीण अंचलों में होता है, तो माताएं पानी लेकर के आती थी, कुएं से पीसती थी, लेपती थी, तो उनका भी व्यायाम होता रहता था। अब रामदेव बाबा जी वो ऐसे ऐसे चलवाते हैं चक्की, तो वो सब साधन शरीर के थे, शरीर हृष्ट पुष्ट भी रहता था, खान पान भी अच्छा था, हर चीज नेचुरल थी। अब जैसे सुख सुविधाएं भोगों की सामग्री आई, तो धीरे धीरे शरीर भी चलता बना, दिमाग वैसे काम करने लग जाता है, इसलिए हम बैठ भी नहीं पाते किसी साधना में, इसलिए विषय अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण केवल परमात्मा है, इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता जी मन के बंधन और मुक्ति का कारण विषय है, पर इनको खोलने की एक ही चाबी है, इस चाबी को भगवान के चरणों की ओर मोड़ दो तो ये खुल जाएगा। जो हमारे कर्म बंधन जो हम बंधे हुए हैं उसकी चाबी है, तो खुल जाएगा, विषयों की तरफ लेके जाएंगे तो बंद हो जाएगा, विषयों में खुल मिल जाएंगे तो भगवान के चरणार बिंदों से पृथक हो जाएंगे हम। इसलिए कपिल भगवान समझाते हैं, माताजी संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, आपको मार्ग प्रशस्त करना है तो किसी सदगुरु की शरणागति स्वीकार करो। आपने देखा होगा कि किसी को जब करंट लगता है तो उसको तो करंट लगा, उसके अगर नीचे किसी ने पकड़ दिया तो उसको और तेज लगता है, तो इसलिए हम अगर जो वहां तक नहीं छू सकते, उस परमात्मा को पकड़ में नहीं आ रहा है, तत्व ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जिन्होंने पकड़ रखा है हम उनको पकड़ लें, उनके चरणार बिंदों को पकड़ लें, तो झटका बड़ा जोर का लगेगा। इसलिए संतों की छत्र छाया में रहना चाहिए। तो माता जी ने फिर प्रश्न किया कि हम संत किसको माने। रामायण में एक प्रताप भानु था, राजा प्रताप भानु एक दुष्ट महात्मा के संगति में पड़ गया, बर्बादी हो गया, तो सही गलत का कौन साधु है कौन असाधु है इसका ज्ञान भी होना चाहिए। पता चल रहा है किसी ने लोभ के कारण की मालदार पार्टी है मंत्र दे दिया, बाद में उसका उसको कोई ज्ञान नहीं दिया, उसका मार्ग प्रशस्त नहीं किया तो नरक में जाएगा। इसलिए गुरु भी किसको बनाए, संत की पहचान क्या है, तो संतों के पांच लक्षण बतलाए। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजाद शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। पहला लक्षण बतलाया कि वो तितिक्षु होना चाहिए, उसके अंदर सर्दी गर्मी सहने की एक क्षमता हो। पता चल रहा 2 मिनट एसी बंद हो गया तो छटपटाहट मचने लग गई, नहीं तो तितिक्षा, थोड़ी सी तितिक्षा कहीं पे चले भी गई लाइट 5-10 मिनट के लिए, तो गर्मी कहीं पे गर्मी में जाना हो तो थोड़े थोड़े करके आदत होनी चाहिए। संतों में आपने देखे होंगे हरिद्वार में मोटे मोटे संत एक एक क्विंटल से ऊपर के, वो भी एसी में तो बाहर निकलते हैं, वो तो तब पता चलता है कि महात्मा थे अंदर, तो ये नहीं है, ये तो वही हो गया। फिर ये तो साधना का उपभोग कर रहे हैं, उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा, गृहस्थ में और उनमें,
इससे बढ़िया तो गृहस्थ ठीक है, कम से कम गृहस्थ पालन कर्म तो कर रहा है। गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है कि जो तीनों वर्णों का भरण पोषण करता है। सन्यासी लोग जॉब तो करते नहीं है, कहीं कहीं मिशन में उसमें ये जो आश्रम हुआ तो चलता भी है, लेकिन अन्यत्र भिक्षा मांग के खाते हैं और भिक्षा गृहस्थ ही देता है। वानप्रस्थ में भी वही है। तो ग्रस्त जीवन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है, इसलिए तितिक्षवः उसमें तितिक्षा होनी चाहिए। दूसरा लक्षण बद्राया कारुणिका, उसमें करुणा होनी चाहिए। दूसरों को कष्ट देख देख करके हमारे अंदर करुणा हो, कुछ उपाय करें हम कि इसका कष्ट दूर हो जाए। कई बार आपने देखा होगा रोड में कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देख करके चले जाते, उठाते नहीं है इसकी पत्नी है बेटा है बेटी है कुछ भी है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि ये काम हो जाए, लेकिन हो जाता है। तो कारुणिका, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। सुहृदः सर्वदेहिनां, और सभी देहधारियों में वो अपना ही स्वरूप समझे। मेरे अंदर जो आत्मा है वो सबके अंदर है, शरीरगत भेद है, शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। इसलिए सुहृदः सर्वदेहिनां अजाद शत्रव शांता, और वो अजाद शत्रु होता है। महात्माओं के शत्रु होंगे लेकिन महात्मा किसी के शत्रु नहीं होते, कोई शत्रुता कर दे वो बात अलग है, लेकिन वो अजाद शत्रु होते हैं, स्वतंत्र। उसको स्वतंत्र विचरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। साधवा साधु भूषण, साधु के आभूषण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाः अजादशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। प्रकार से सुंदर उपदेश दिया और बतलाया कि संतों की संगति से हम किसी संत की भी संगति करते हैं तो उससे हमें एक ही चीज मिलेगी। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करण रसायन कथा। माताजी उससे ये फल मिलेगा कि वो निरंतर मेरी कथाओं का ही गान करता रहेगा, और उससे कर्णपुटों से जो हृदय वो विशुद्ध हो जाएगा, मन की जो चंचलता है वो कम हो जाएगी। इसलिए संत निरंतर मेरी महिमा को गाएंगे तो आप में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए शरण ग्रहण करनी चाहिए। डोगरा पैरा मेडिकल में 23 जून से और 29 जून तक जो है भागवत श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान गंगा बह रही है। इसमें जो हमारे आचार्य जी हैं देव प्रकाश व्यास जी जो कि ऋषिकेश से आए हुए हैं, वो यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, और आप सब लोग भी इसका श्रवण करें।